डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं, और आज 7 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला है शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। अभिमन्यु ने 12 वर्ष की उम्र में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने के लिए सभी जरूरी उपलब्धियां हासिल कर ली है, और उन्होंने सर्गे कर्जाकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है जो करीब 19 साल पहले 2002 में अपने नाम किए थे। नेक्स्ट है मैरी कॉम और मनप्रीत, ये ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह 23 जुलाई से टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। और ऐसा पहली बार हुआ है जब ओलंपिक में दो भारतीय ध्वजवाहक, जिसमें एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं। बजरंग पुनिया अगस्त में समापन होने वाले भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट है अमेरिका में साइबर हमले की जांच शुरू की गई है। साइबर सुरक्षा कर्मियों ने सबसे बड़े रैमसवेयर हमले के प्रभाव की जांच शुरू कर दी है, और इसमें पता चला है कि रूस से जुड़े संगठन ने कंपनी की निजता का उल्लंघन कैसे किया है। साइबर शोधकर्ताओं ने बताया है कि कुख्यात रेविल संगठन में कम से कम 17 देशों को निशाना बनाया गया था। नेक्स्ट है फुटबॉल दिवस के अवसर पर, ये फुटबॉल दिवस 37+ लीग शुरू करेगा दिल्ली फुटबॉल दिल्ली। दिल्ली फुटबॉल दिवस के अवसर पर संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के साथ 37+ लीग शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली में रहने वाले भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री के 37वें जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए उनके नाम 37 में लीग प्लस का रखा गया है, और इस लीग में 8 से 10 टीमें होंगी और यह लीग 8 से 10 सप्ताह चलेंगे। नेक्स्ट है ओलंपिक में 472 सदस्य दल भेजेगा इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया। टोक्यो ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया 472 दल भेजेगा, जो 2004 एंथेस ओलंपिक के बाद उसका सबसे बड़ा दल होगा। नेक्स्ट है हाल ही में ये ISA के अध्यक्ष और CEO बने हैं कृष्णमूर्ति। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन ISA ने अपने अध्यक्ष और CEO के पद पर कृष्णमूर्ति की नियुक्ति की घोषणा की है। नेक्स्ट है ये महाराष्ट्र विधानसभा में आरक्षण सीमा प्रस्ताव पारित हुआ है हाल ही में। महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित जाति आधारित आरक्षण पर लागू 50% की सीमा हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाने की केंद्र से अपील की गई है। दरअसल इस सीमा के कारण मराठा समेत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ESBC को आरक्षण देने में बाधा आ रही है, अतः जाति आधारित आरक्षणों पर लागू 50% की सीमा में छूट के बिना सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने मराठा समुदाय को प्रवेश एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के 2018 के कानून को इस वर्ष मई के महीने में निरस्त कर दिया था, और ESBC के लिए महाराष्ट्र सरकार राज्य आरक्षण कानून 2018 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था, ये 1992 में शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के तहत लागू 50% के आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायक ये एक साल के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ ये दुर्व्यवहार करने के आरोप में 12 विधायकों को विधानसभा से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया है।
नेक्स्ट है भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष, ये हाल ही में सुधांशु मित्तल और महेंद्र त्यागी इसके महासचिव चुने गए हैं। नेक्स्ट है बिहार में पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म ये बेगूसराय में हुआ है। बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन विंडो फर्टिलाइजेशन तकनीक से एक गाय के बच्चे का जन्म हुआ है। अभी तक उत्तर प्रदेश के 12 बाकी में टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा किया जा रहा था। दरअसल इस प्रक्रिया में अल्ट्रासाउंड के जरिए गाय के ओवरी से ओवम को निकाल लिया जाता है और फिर उसे 24 घंटे के लिए इस ओवम को मैचुरेशन के लिए रखा जाता है और मैचुरेशन के लगभग 16 घंटे तक अंडे को फर्टिलाइजेशन मीडिया में रखा जाता है और फिर उसके बाद उसका कल्चर किया जाता है और फिर जो भ्रूण तैयार होता है उसको गाय के यूट्रस में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत के नाम पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड, तेलंगाना में 1 घंटे में 1 लाख पौधे लगाकर ये किया गया है। भारत में ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 1 घंटे में 1 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है गुजरात में अब सिर्फ गजट का प्रकाशन होगा, गजट का ये ई प्रकाशन होगा। गुजरात सरकार अब किसी भी गजट का मुद्रण और प्रकाशन नहीं करेगी। राज्य सरकार ने सभी गजट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में, राज्य सरकार के जितने भी अब गजट हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में प्रकाशित किए जाएंगे तथा सभी सरकारी विभागों के 30 साल पुराने साधारण तथा असाधारण गजट भी आगामी 1 माह में इस वेबसाइट पर लोड कर दिया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर स्थित अपने कार्यालय में ई गजट की वेबसाइट का लोकार्पण करते हुए कहा है कि सरकार गवर्नेंस को पारदर्शी एवं उपयोगी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसी के लिए अब ये गुजरात में कोई भी सरकारी गजट का प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला ये शिरीषा बन गई है, पहली कल्पना चावला थी। आंध्र प्रदेश के अंतरिक्ष यात्री शिरीषा बंदला ब्रिटेन के अरबपति और वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन के साथ ये अंतरिक्ष में जाएंगे। नेक्स्ट है केरल सरकार ये मुफ्त में किट प्रदान करेगी। केरल सरकार प्री स्कूल के उन 5 बच्चों को बुक्स, चार्ट पेपर और क्रेयॉन वाली मुफ्त किट प्रदान करेगी जिसके पास इंटरनेट या टीवी की सुविधा नहीं है। केरल में आधे से अधिक स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। केरल में 93.41% स्कूलों में इन हाउस कंप्यूटर है और 88% में इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है। नेक्स्ट है 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये गोवा में होगा। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में ये 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे के जन्म शताब्दी के अवसर पर शुरू होने वाले IFFI में इस वर्ष सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की शुरुआत की गई है। ये पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत की गई है।